इस वीडियो में हम जनरल टर्मिनोलॉजी जो कि सिस्टमैटिक्स जो है उसमें यूज़ होती है उसको डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले टेक्सोनॉमी वर्सेस सिस्टमेटिक्स के इन दोनों में डिफरेंस क्या है सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्सोनोमी टेक्सोनॉमी इज़ द थेरी एंड प्रैक्टिस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स इसमें हम मेनली जो है ऑर्गेनिजम्स उनको क्लासीफाई करते हैं ठीक है उसकी थेरी जो है आपको पता होनी चाहिए बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स से रेलिवेंट और फिर उसको आपने क्लासीफाई करना है Next systematics is the scientific study of the kinds and diversity of organisms, and of any and all relationships among them. ठीक है तो systematics जो है इसमें हम diversity study करते हैं living organisms की और साथ ही उन organisms के दरमियान relationships क्या है and all relationships. All relationships जो है इससे मुराद है कि आपने सिर्फ़ उनकी phylogeny जो है उसको study नहीं करना ठीक है उसमें तमाम बायोलॉजिकल आस्पेक्ट्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं बायोलॉजिकल आस्पेक्ट्स जो हैं उसमें आप उनकी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इकोलॉजी बिहेवियरल बायोलॉजी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री इन सब आस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं तो इसको हम कहते हैं कि हम सिस्टमेटिक्स के अंदर डाइवर्सिटी के साथ साथ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके दरम्यान रिलेशनशिप्स को भी स्टडी करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन और नॉमन क्लेचर क्या डिफरेंस है इनमें क्लासिफिकेशन जोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द ऑर्डरिंग ऑफ एनिमल्स इन टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देअर रिलेशनशिप ठीक है रिलेशनशिप की बेस पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन है या ग्रुपिंग है ठीक है ऑर्डरिंग है दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ठीक है क्लासिफिकेशन जो है इसमें आप क्या करते हैं इट इज़ एन इंडक्टिव प्रोसीजर इंडक्टिव प्रोसीजर से मुराद क्या है कि ड्राइंग कंक्लूजन फ्राम स्पेसिफिक टू जनरल कि आपके पास एक स्पीशीज़ है एक स्पेसीमन है से एक इंसेक्ट स्पेसीमन है उसको आप देखते हैं मॉर्फोलॉजी की बेस पे या डी एन ए बारकोडिंग की बेस पे आप क्या करते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो स्पेसीमन है ये ये वाली स्पीशीज़ है ये स्पीशीज़ से बिलोंग करता है अब आपने क्या किया है स्पीशीज़ आइडेंटिफाई हो चुकी है दैट इज़ द मोस्ट स्पेसिफिक ठीक है अब इस आ, को आपने क्या करना है कि ये स्पीशीज़ जो है ये किस जीनस से बिलोंग करती है किस फैमिली से बिलोंग करती है किस ऑर्डर से बिलोंग करती है वो पहले से रिकगनाइज हो चुकी हैं फिर आपने क्या करना है इस स्पीशीज़ को क्लासीफाई कर देना है तो आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जा रहे हैं दिस इज़ क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन में आप क्या करते हैं यह डिडक्टिव प्रोसीजर है इसमें आप जनरल इन्फॉर्मेशन से स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल स्पेसिमन आपके पास आया है आप उसको देखते हैं मॉर्फोलॉजी की बेस पे उसके करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं सबसे पहली नज़र में आपको ये क्या लग रहा है ये कोई बटरफ्लाई हो सकती है दिस इज़ द मोस्ट जनरल ऑब्जर्वेशन इस जनरल ऑब्जर्वेशन से फिर आप जाते हैं स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की तरफ कि बटरफ्लाइज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं सही है तो ये हम कह रहे हैं दिस इज़ फ्रॉम जनरल इन्फॉर्मेशन टू स्पेसिफिक कंक्लूजन सो ये स्टेप्स फॉलो करते करते आप एंड तक पहुंच जाते हैं दिस इज ये ये वाली स्पीशीज़ है आप स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये ये स्पेसिफिन इस स्पीशीज़ से बिलोंग करता है So, this is the main difference between classification and identification. So, what is nomenclature? Nomenclature kya hai? application of distinctive names to each of the groups recognized in the zoological classification. Next is taxon. Taxon, for example, birds, words uh, uh, that is bluebirds, thrushes, songbirds, vertebrates. group of organisms. Hai. और ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं ये कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं ऑफ़ जोलॉजिकलॉसिक क्लासिफिकेशन और टेक्सॉन क्या है टेक्सॉन इज अ ग्रुप ऑफ रियल ऑर्गेनिजम्स रिकगनाइज एज अ फॉर्मल यूनिट एट एनी लेवल ऑफ अ हायर की क्लासीफिकेशन के ये क्या है रियल ऑर्गेनिजम्स हैं ठीक है रियल ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है ठीक है जिसको हम एक यूनिट के तौर पे रिकगनाइज़ कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो फिगर है इसमें आपको बेस पे एक ऑर्गेनिज नजर आ रहा है जिसका साइंटिफिक नेम है अमेरिकनस ये एक स्पेशस है ठीक है नेक्स्ट है जीनस अर्सस इसमें तीन ऑर्गेनिजम्स हैं ठीक है नेक्स्ट फैमिली है और सी ऑर्डर है कार्निवोरा सो so, ये क्या है फिगर्स में फिगर में आपको ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स नजर आ रहे हैं इस फाइलम में ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं क्लास के अंदर ये ऑर्गेनिज़म्स हैं ऑर्डर में ये ऑर्गेनिजम्स हैं सो so, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर कर रहे हैं उनको आपने ग्रुपिंग कर दी है उनकी ठीक है तो उस ग्रुप के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं ठीक है ये जो ऑर्डर है कार्निवोरा इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या है ये टेक्सॉन है टू आस्पेक्ट मस्ट बी स्ट्रेस्ड टेक्सॉन ऑलवेज रेफर्स टू कंक्रीट जोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स ठीक है जोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें दस् द स्पीशीज इज नॉट अ टेक्सॉन बट अ गिवन स्पीशीज सच एज रॉबिन इसके सिंगल आप कहते हैं स्पीशीज वो टेक्सॉन नहीं है लेकिन जैसे यहाँ पे अर्स मैरिकेनस है ये स्पीशीज है ये एक टेक्सॉन है सो सेकेंडली द टेक्सॉन मस्ट बी फॉर्मली रिकग्नाइज बाय द टेक्सोनिस्ट ठीक है और टेक्सोनमिस्ट जो है उसको रिकोगनाइज करे एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स तो उसको हम कह रहे हैं दिस इज अ टेक्सा नेक्स्ट इज कैटेगरी कैटेगरी इज एन एब्स्ट्रैक्ट टर्म दैट रिप्रेजेंट्स द लेवल ऑफ अ टेक्सॉन ठीक है फॉर एग्जाम्पल ये हमारे लेवल्स हैं ठीक है स्पीशीज़ जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम किंगडम डोमेन सो इन लेवल्स के अंदर जो एक एक ग्रुप है स्पीशीज़ जीनस फैमिली ऑर्डर ये एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स हैं जिनको हमने यूज़ किया है इन जो टेक्सा uh, है इनको रिकग्नाइज़ करने के लिए सो so ये इनको हम कैटेगरीज़ कहते हैं लेकिन अगर स्पीशीज़ की जगह पर हो Homo sapiens or Ursus americanus. Usko hum ki ye ek texon hai. So, until the word taxon was introduced into the literature, the term category was often confusingly used both for group and for rank. Next is phenon. Phenon is a group of organisms that are recognized solely based on similarity of characteristics. करेक्टरिस्टिक्स की सिमिलैरिटी की बेस पे सिर्फ और सिर्फ इनको एज अ ग्रुप रिकगनाइज किया जाता है ठीक है बायोलॉजिकल इंटरेक्शन या जेनेटिक रिलेटेडनेस को इस चीज में कंसिडर नहीं किया जा सकता सिबलिंग स्पीशीज इट इज़ पॉसिबल दैट सेवरल स्पीशीज बिलोंग टू अ सिंगल फिन ठीक है और ये जो टर्म है मॉर्फल स्पीशीज या मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज ये भी हम अप्लाई करते हैं कन्फ्यूजिंगली विद डेट ऑफ फिनॉन फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो आपको फिगर नजर आ रही है इसमें जो दो ट्रायलोबाइड फॉसल्स हैं ये जो है ऑर्डर फैकोबिटी से बिलोंग करते हैं मॉर्फोलॉजिकली जो है ये इनको रिकग्नाइज करने के बाद एक फिनोन या इनको एक ही ग्रुप पर रखा गया जिसको हम फिनोन कहते हैं सो so, फिनोन क्या है कि कोई भी ऐसी ग्रुपिंग जो कि सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ की बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप कर दें उसको हम कहते हैं फिनोन और इसमें हम उनकी जो जेनेटिक रिलेटेडनेस है या बायोलॉजिकल इंटरेक्शन है उसको कंसिडर नहीं करते और फॉसिल्स की स्टडी जो है इसमें मेनली हम सिर्फ़ और सिर्फ जो एक्सटर्नल फीचर्स नज़र आ रहे हैं उनकी बेस पे करते हैं अगर डीएनए एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकता ठीक है तो इसलिए हम कहते हैं कि इस तरह की जो ग्रुपिंग होती है इसको हम कहते हैं फिनॉन